बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि 10 है जहां पर नियमों में जो है बदलाव किया गया है। जहां पर 2000 से ज़्यादा केसेस आते थे वहां पर योगी सरकार ने कहा कि यहां पर समय में बदलाव किया जाए ताकि केसेस की जो संख्या है उसमें कमी आए। और आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, ज़िला बलिया, लखनऊ, प्रयागराज समेत कई ऐसे ज़िले हैं, शहर हैं जहाँ पर जो है कर्फ्यू के नियमों में बदलाव किया गया। अब शाम के 8 बजे से सुबह के 7 बजे तक कर्फ्यू जो है लगाया जा रहा है। और कर्फ्यू के जो नियमों में बदलाव किया गया, अगर हम देखें तो इस समय 10 बजने को आ रहे हैं और अगर मैं दिखा दूं तो गाड़ियां जो है लगातार चल रही हैं। इस समय जो हम मौजूद हैं वो गौतम बुद्ध नगर के अंदर मौजूद हैं और पुलिस चौकी यानी सेक्टर 37 के अंदर मौजूद हैं। और यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट भी हो रहा है कि कोरोना से बचें, मास्क लगाकर चलें, सैनिटाइजेशन का उपयोग करें। लेकिन हम देख सकते हैं कि कर्फ्यू का तो फिलहाल अभी कोई पालन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। हालांकि प्रशासन जो है मुस्तैद नज़र आ रहा है और वो लगातार अपने काम कर रहा है, लेकिन गाड़ियाँ जो चीज़ें हैं, जो ऑटो चालक हैं, आप देख सकते हैं जा रहे हैं, कई सारी गाड़ियाँ जा रही हैं, कई सारी बसें भी जा रही हैं, कई सारे ट्रकें भी जा रही हैं। साफ तौर पर जो है कई सारी चीज़ें हो सकती हैं कि जो अभी लोगों को पता भी ना हो, जो लोग काम कर रहे हो। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं इनसे ही जानना चाहता हूँ कि क्या आपको पता है कि कर्फ्यू के नियमों में बदलाव किया गया है? 8 बजे के बाद लॉकडाउन है। नहीं, नाइट कर्फ्यू है, लॉकडाउन। हाँ, 8 बजे के बाद। तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं? यहीं से आया हूँ, दिल्ली से। जो 2 घंटे हो गए खड़े खड़े, कोई बस ही नहीं है। अच्छा, आपको जाना कहाँ है? फिरोजाबाद। अच्छा, जॉब करते हैं यहाँ पर आप? नहीं, काम से आया था। काम से आया था आप? आपको पता है कि कर्फ्यू के नियमों में बदलाव किया गया है? हाँ, बदलाव किया गया है। 8 बजे से नाइट कर्फ्यू है। भैया, अगर मैं आपको दिखा दूँ तो कर्फ्यू के अंतर्गत लगातार चल रही है। मैं चाहूँगा कि दिखाएँ, यहाँ पर देखिए ट्रक भी जा रहा है, गाड़ियाँ भी जा रही हैं। हालांकि लोगों ने मास्क अवश्य लगाया हुआ है, लेकिन वही बात है कि अब कर्फ्यू का जिस तरीके से पालन करना चाहिए या फिर करना चाहिए, लोग कर नहीं रहे हैं। जिस तरीके से नियमों में बदलाव किया गया ताकि केसेस की संख्या में जो कम आए, लेकिन अब देख